हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसी स्कॉच विस्कीज, बजट स्कॉच विस्कीज जो स्कॉटलैंड में ही बॉटल्ड होती हैं। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था 5 विस्कीज के ऊपर, 5 इंडियन विस्कीज जिनमें मोलासेस का यूज़ नहीं होता। ये जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के काम आती है जब आप लोग एक वाइन शॉप पे जाते हैं और एक विस्की खरीदने के लिए, और आपकी रेगुलर ब्रांड अवेलेबल ना हो तो आप सोचते हैं कि आप क्या ख़रीदें, कौन सी विस्की ख़रीदें। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के काम आ सकती हैं कि कौन सी विस्की में मोलासेस यूज़ नहीं होता, या फिर कौन सी ऐसी स्कॉच विस्कीज़ हैं जो स्कॉटलैंड से ही बॉटल होकर आती हैं। ना हो सकता है आप लोगों को इस कंसेप्ट के बारे में पता ही ना हो, तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। स्कॉच विस्कीज़ एज वी ऑल नो स्कॉटलैंड में बनती हैं, स्कॉटलैंड से बनकर इंडिया में आती हैं। बहुत सारी ऐसी विस्कीज़ हैं जो स्कॉटलैंड से में बनकर स्कॉटलैंड के अंदर ही बॉटल होकर बॉटल इंडिया में इंपोर्ट कराई जाती है, लेकिन आज की डेट में ज़्यादातर जो स्कॉच विस्कीज़ मिलती हैं, जो बजट स्कॉच विस्कीज़ इंडिया में अवेलेबल हैं, वो ज़्यादातर बैरल्स के अंदर इंडिया में आती हैं और उसके बाद उसे पानी मिलाकर डाइल्यूट करके इंडिया के अंदर ही बॉटल करके बेचा जाता है। नाउ व्हाई इज़ दैट? वेल, इट्स बिकॉज ऑफ मनी। एक स्कॉच विस्की जो स्कॉटलैंड से बॉटल होकर आती है उस पर अप टू 152% तक की एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है सेलर्स को। वहीं एक ऐसी स्कॉच विस्की जो इंडिया में बैरल्स में आई है और उसके बाद इंडिया के अंदर ही बॉटल करी गई है, उस पर जो एक्साइज ड्यूटी है सिर्फ 20-30% होती है। सो देर इज़ अ ह्यूज सेविंग्स ऑन एक्साइज ड्यूटी, और वही जो सेविंग्स होती हैं जो सेलर सेव करता है, वो सेविंग्स आपको भी मिलती हैं बिकॉज उन स्कॉच विस्कीज़ को कम प्राइसेस में बेचा जा सकता। एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें कंज्यूमर्स और सेलर्स दोनों ही खुश हैं, एक्सेप्ट देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि जो विस्कीज़ स्कॉटलैंड से इंडिया में लाई जाती हैं और फिर इंडिया में इनको बॉटल किया जाता है, उनका जो टेस्ट होता है काफ़ी इन्फीरियर होता है as compared to those whiskies जिन्हें स्कॉटलैंड से डायरेक्टली बॉटल करके लाया जाता है। उसके अलावा ये भी माना जाता है कि उन whiskies में जो इंडिया में बॉटल की जाती है उनमें मिलावट के भी चांसेस हो सकते हैं। अब ये जो सब्जेक्ट है, आई थिंक ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा इस बारे में बात करने के लिए। तो इफ़ यू गाइज वॉन्ट कि मैं इस बारे में वीडियो बनाऊँ about whiskies, the difference in whiskies that are bottled in Scotland and that are bottled in India, तो आप लोग लिखिए कमेंट्स में, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस बारे में एक वीडियो बनाऊँ। सो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कुछ ऐसी whiskies के नाम बताइए जो सीधा स्कॉटलैंड से बॉटल होकर इंडिया में आती हैं। नाउ दैट डजेंट मीन कि ये whiskies जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ दे आर बेटर देन विस्कीज़ जो इंडिया में आके बॉटल होती हैं, या फिर दे आर वर्स देन दोज विस्कीज़। दीज आर जस्ट 5 स्कॉच विस्कीज़ जो स्कॉटलैंड से सीधा बॉटल होकर आपके पास आ रही हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स इंफॉर्मेशन लाइक दीज यू नो दे मैटर टू कंज्यूमर्स। जब आप वाइन शॉप पर जाते हैं, अगर आपके पास 2 स्कॉच विस्कीज़ की ऑप्शन हो जो आपने दोनों ही कभी ट्राई नहीं करी है, एक बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड है और एक बॉटल्ड इन इंडिया, आई थिंक ज़्यादातर लोग बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड वाली विस्की ही उठाएंगे। इनमें से कुछ विस्कीज़ के रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और कुछ के कभी बाकी हैं, जल्दी कोशिश करूँगा कि कर दूँ। एंड व्हेन आई से बजट आई मीन विस्कीज़ दैट आर अवेलेबल फॉर लेस देन 2000 रुपीज़ फॉर द बॉटल इन दिल्ली। हो सकता है आपके स्टेट में थोड़ा प्राइस ज़्यादा हो, बट अगर आप इसे कंपेयर करेंगे दूसरी बजट स्कॉच विस्कीज़ के, तो आपको उसी प्राइस रेंज में ये 5 विस्कीज़ भी मिल जाएंगी। एंड बिफोर वी स्टार्ट द लिस्ट, मैं आप लोगों को Amazon Audible के बारे में बताना चाहता हूँ। आई पर्सनली लव रीडिंग बुक्स, बट आई थिंक आज की डेट में बुक्स पढ़ने के लिए टाइम निकाल पाना अपने आप में ही एक लग्जरी है। बट थैंक्स टू Amazon Audible यू कैन नाउ लिसन टू योर फेवरेट बुक्स, चाहे आप लैपटॉप पर काम कर रहे हो, चाहे आप खाना बना रहे हो, या फिर अपनी फेवरेट ड्रिंक एंजॉय कर रहे हो, यू कैन लिसन टू योर फेवरेट बुक्स ऑन Amazon Audible। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर अ मंथ। आप लिंक पे क्लिक करिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपनी फेवरेट बुक ढूंढिए और उसे सुनिए फॉर एब्सोल्युटली फ्री, एंड इफ़ यू लाइक इट देन यू कैन कंटिन्यू योर सब्सक्रिप्शन। मैं 2 दिन पहले मैंने बुक डाउनलोड करी है ऋषि कपूर जी की ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला, एंड आई मस्ट से इट्स रियली इंटरेस्टिंग। तो अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट है यू कैन लिसन टू द सेम बुक, एंड Honestly, it really helps out the channel as well. आप लोगों को कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट ट्राई आउट
Amazon Audible and it really helps. तो क्लिक करो लिंक पे यार और बुक अपनी ढूंढो और सुनो सुनो. सो फर्स्ट ऑन द लिस्ट इज Ballantine's फाइनेस्ट ब्लेंडेड स्कॉच विस्की. ऑफकोर्स एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एंड अच्छी विस्की है. उसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप लोगों को काफ़ी कुछ बता चुका हूँ उसके बारे में. अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाया था टॉप 5 बजट स्कॉच विस्कीज़ के ऊपर और उस लिस्ट में भी Ballantine's अपीयर हुई थी एंड फॉर गुड रीज़न, क्योंकि एक अच्छी विस्की है. एक बजट प्राइस में आपको एक बहुत ही अच्छी विस्की ट्राई करने को मिल रही है एंड इट इज़ बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड. तो एक और रीज़न है Ballantine's को ट्राई करने का. ग्रैंड फैमिली रिजर्व ब्लेंडेड स्कॉच विस्की फ्रॉम द हाउस ऑफ विलियम ग्रांट एंड सन्स. जी हाँ, ये वही विलियम ग्रांट एंड सन्स हैं जो आपके लिए Glenfiddich सिंगल मॉल्ट विस्की बनाते हैं. सो ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी बढ़ जाती है इस विस्की से, बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम द हाउस ऑफ Glenfiddich, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सिंगल मॉल्ट विस्की है. एंड द फैक्ट दैट दिस विस्की इज़ बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड, तो मेरी खुद की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ चुकी हैं इस विस्की से एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राइंग इट एंड रिव्यूइंग इट सून ऑन द चैनल. ऑफकोर्स स्कॉच विस्की की कोई भी लिस्ट पूरी नहीं होती जब तक हम एक जॉनी वॉकर विस्की की बात नहीं करते. एंड रेड लेबल इट्स मोस्ट बजट एंट्री. आई थिंक इट ऑफर्स अ लॉट इन अ वेरी गुड बजट प्राइस एंड यस द फैक्ट दैट इट कम्स फ्रॉम स्कॉटलैंड डायरेक्टली बॉटल्ड काफ़ी हेल्प करता है इस विस्की को और ज़्यादा पॉपुलर बनाने में. और अगर आप रेड लेबल विस्की के बारे में या जॉनी वॉकर ब्रांड के बारे में ज़्यादा जानना चाहती हैं तो रेड लेबल का रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं, आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं. एक रिलेटिवली अननोन ब्रांड है स्कॉटिश लीडर विस्की, बट आई थिंक इट डिजर्व्स अ लुक इन. जब हम बात करते हैं लोगों की फेवरेट ब्लेंडेड स्कॉच विस्कीज़ के बारे में तो स्कॉटिश लीडर का नाम ज़्यादा नहीं आता, प्रॉबेबली बिकॉज इट्स अ न्यू ब्रांड एज कम्पेयर टू अदर विस्कीज़ जो इस लिस्ट में है. इट वॉज लॉन्च्ड इन 1976, तो जैसे मैंने बताया है कि एक रिलेटिवली न्यू ब्रांड है इस लिस्ट में. मैंने कभी ट्राई नहीं करी ऑनेस्टली, तो कहना मुश्किल है कि टेस्ट कैसा होगा इसका. बट अगर आप में से किसी ने ट्राई करी है तो बताइए कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगता है. मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से ट्राई करूँ और इसका रिव्यू भी करूँ. एंड बिफोर द लास्ट ऑप्शन कुछ ऑनरेबल मैंशंस भी हैं. कुछ ऐसी विस्कीज़ हैं जिनके इंडिया में दो वेरियंट्स अवेलेबल हैं, वन इज़ बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड एंड द अदर इज़ बॉटल्ड इन इंडिया. सो यू हैव टू चेक आप जो खरीद रहे हैं वेरिएंट, क्या वो बॉटल इन इंडिया है या फिर बॉटल इन स्कॉटलैंड है. जैसे कि टीचर्स हाईलैंड क्रीम, वैट 69, ड्यूअर्स वाइट लेबल, ये कुछ ऐसी विस्कीज़ हैं जिनके दो वेरिएंट्स अवेलेबल हैं इंडिया में. स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ टीचर्स हाईलैंड क्रीम की, तो जो बॉटल इन स्कॉटलैंड वेरियंट है आपको 1 लीटर में मिल जाएगा. सो बिफोर यू बाय यू कैन चेक क्या आप जो खरीद रहे हैं वो बॉटल इन इंडिया वेरियंट है या बॉटल इन स्कॉटलैंड वेरियंट है. चलिए अब आते हैं अपनी लास्ट एंट्री पर. लास्ट में आती है JNB रेयर एंड अप एंड कमिंग स्कॉच विस्की जो इंडिया में पिछले 2-3 सालों से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती आ रही है. इट्स एन अनोन ब्रांड, इट्स अ वेरी पॉपुलर ब्रांड, बट आई थिंक इंडिया में मैंने इसकी पॉपुलैरिटी को राइज होते हुए देखा है पिछले कुछ सालों से. एक बहुत ही डिस्टिंक्ट बॉटल डिज़ाइन है इसका, बहुत ही डिस्टिंक्ट फ्लेवर भी है इसका. मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी इस विस्की का मैं रिव्यू करूँ आप लोगों के लिए. और एक बहुत ही डेडिकेटेड फैन बेस भी है इस विस्की का. जिन लोगों को JNB पसंद है वो ज़्यादातर कोई और ब्रांड ट्राई करना पसंद नहीं करते. एंड द फैक्ट दैट ये विस्की सीधा स्कॉटलैंड से बॉटल होकर आती है आई थिंक एक और रीज़न दे देता है इसके फैंस को इसी विस्की को पीने के लिए. सो दोस्तों, ये थी हमारी लिस्ट 5 स्कॉच विस्कीज दैट आर बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड. कैसी लगी आपको ये लिस्ट, कैसा लगा आपको ये वीडियो, बताइए मुझे कमेंट्स में. इसके अलावा किन किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं मुझे बताइए, कमेंट्स में लिखिए. मैं कोशिश करूँगा कि उन टॉपिक्स पर भी वीडियो जल्दी बनाऊँ. लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी करो चैनल पर भाई. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए cheers.